गुज़श्ता वीडियो में हमने आपको बताया था उन वनडे मैचेस के बारे में जिनमें किसी बल्लेबाज ने मैच की आखिरी गेंद पर छक्का लगाकर अपनी टीम को कामयाबी दिलवाई। आज हम आपको बताएंगे कि T20 मैचेस में ऐसा कब कब हुआ। अगर आपने वनडे मैचेस वाली वीडियो अभी तक नहीं देखी तो वो भी देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको लम्हा बलम्हा ऐसी मालूमाती वीडियोस पहुंचती रहें। 11 मई 2010 को ग्रूसले के मकाम पर वर्ल्ड T20 के ग्रुप मैच में श्रीलंका के बैट्समैन चमारा कापुगडेरा ने भारत के आशीष नेहरा को आखिरी गेंद पर छक्का लगाकर अपनी टीम को मैच जितवा दिया। दिसंबर 2012 को इंग्लैंड के एवन मॉर्गन ने मुंबई में भारत के अशोक डंडा को लास्ट बॉल पर सिक्सर लगाया और आखिरी ओवर में दरकार 9 रन पूरे कर लिए। 27 जुलाई 2013 को पाकिस्तान और वेस्टइंडीज किंग्स टाउन में आमने सामने थे। आखिरी गेंद पर जुल्फिकार बाबर, जो की बाकायदा बल्लेबाज भी नहीं है, उन्होंने इंतहाई हैरानकुन तौर पर वेस्टइंडीज के मेलन सेमुल्स को छक्का लगाकर पाकिस्तान को मैच में कामयाबी दिलवा दी। 19 मार्च 2014 को सेहलट में वर्ल्ड T20 के मैच की लास्ट बॉल पर जिम्बाब्वे के वोसी स्पार्ना ने नीदरलैंड के एहसन मलिक को छक्का लगाकर अपनी टीम को मैच जितवा दिया। अठारह मार्च 2018 को कोलंबो में भारत के दिनेश कार्थिक ने आखिरी गेंद पर बांग्लादेश के सोमिया सरकार को नाकाबले यकीन छक्का लगाकर मैदान मार लिया। 17 फरवरी 2019 को आयरलैंड के स्टीवर्ट पॉइंटर ने नीदरलैंड के बॉलर वेन मैकरिन को अलामाराग के ग्राउंड में मैच की आखिरी गेंद पर छक्का लगाकर अपनी टीम को कामयाबी दिलवाई। 29 जनवरी 2019 को भारत और न्यूजीलैंड का हैमिल्टन में होने वाला T20 मैच जब टाई हो गया तो उसका फैसला करने के लिए सुपर ओवर खेला गया। उस सुपर ओवर में भारत को जीतने के लिए 18 रन दरकार थे। लास्ट बॉल पर रोहित शर्मा ने टिम साउथी की बॉल को फजाई रूट से बाउंड्री के पार फेंक कर अपनी टीम को फतायाब करवाया और अपना नाम भी उस तारीखी लिस्ट में शामिल करवा लिया।